नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण भंडारण योजना के विषय में। जैसा कि सबको ये जानकारी है कि जो छोटे किसान होते हैं उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, और वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें ऐसी उन पर कोई व्यवस्था नहीं होती। तो देश में इस बात की जो है आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कृषि समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि जो है उपज की हानि और क्षति को रोका जा सके, और साथ ही साथ में उन किसानों को भी अपन उन्नतशील किसान बना सके जो कि कम उपज करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो किसानों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरे भी की जा सके, इससे किसानों को ऐसे समय मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोका जा सकता है जब बाजार में उसके दाम कम होते हैं। दोस्तों, तो ग्रामीण गोदामों का जो नेटवर्क बनाने के छोटे किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो ये भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो है स्कीम को चालू किया गया है, और इसमें क्या क्या आगे है इसके विषय में हम आपको बात कर रहे हैं। इससे भी अपनी उपज उस समय बेच सकेंगे जब हमको जो है उसमें हमारे जो बाजार या मंडियां होती हैं उसमें जो है लाभकारी मूल्य मिल रहा हो, और किसी प्रकार के दबाव में बिक्री करने से उन किसानों को बचाया जा सकता है। कि इसी इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है सन 2001-02 में ग्रामीण गोदामों के निर्माण और उनके रखरखाव जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण भंडार योजना नाम का पूंजी निवेश सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब ये कार्यक्रम किस प्रकार शुरू किया गया, इसकी क्या शर्तें रहती हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या योग्यताएं हैं, और इसके क्या उद्देश्य है, तो इसके विषय में भी हम आपको हम बताना चाहेंगे। तो इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्यों में जो है कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जो जरूरत है पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का जो निर्माण है वो है, और कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए जो है ग्रेडिंग, मानकीकरण और जो क्वालिटी गुणवत्ता को नियंत्रण को बढ़ावा देना है, ये सब उसमें मतलब इसके उद्देश्य है कि ये इसमें जो क्वालिटी भी जो है उनके अनाज की बढ़े, और जो वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण जो फसल बेचने की किसान की जो मजबूरी समाप्त करना है, तो जो मजबूरियां होती हैं उन पर जो लोड होता है वो भी समाप्त होगा धीरे धीरे यदि आप इन सब योजनाओं का लाभ लेंगे। तो कृषि जिंसों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना इसके उद्देश्य में जो है शामिल है। तो इसके जरिए निजी और सहकारी क्षेत्र को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए कृषि क्षेत्र में लागत कम करने में मदद की जा सकती है। तो ये एक तो जो हमारी जो लागत होती है उसको भी कम करने में ये योजना जो है मदद करती है। तो ग्रामीण गोदाम के निर्माण की जो परियोजना देश भर में व्यक्तियों, किसानों, कृषक जो उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों और गैर शासकीय संगठनों एनजीओस और स्व सहायता जो समूह होते हैं उनको कंपनियों को, निगमों को, सहकारी संगठनों और परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है। दोस्तों, तो ये सारे लोग इसमें जो है एलिजिबल है और ये कृषि भंडारण के लिए जो है पात्र होते हैं। तो अपन इसके स्थान की अगर बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी को इस बात की आजादी है कि वह अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किसी भी स्थान पर गोदाम का निर्माण करवा सकता है, लेकिन गोदाम का जो स्थान है वो नगर निगम या नगर पालिका का जो क्षेत्र होता है उसकी सीमा के बाहर होना चाहिए, मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होना चाहिए, वो शहरी क्षेत्र में जो स्थान आप चयन कर रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदामों भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के प्राप्त पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, तो ये जो अपनी नगर निगम सीमा के जो बाहर होना चाहिए आपका जो स्थान है, आप जिस स्थान पर जो है ये बनाना चाहते हैं, तो उसका आप अपन बात करते हैं उसके आकार के विषय में। तो गोदाम की क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा, मतलब उद्यमी द्वारा ही पूछा जाएगा जिसे लगाना है, लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता जो है 100 टन से कम और 30,000 टन से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 100 टन से कम नहीं होना चाहिए और 30,000 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 50
टन क्षमता तक के ग्रामीण गोदामों गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष मामलों के रूप में सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं। लेकिन अभी तो 100 से जो है 30,000 तक के बीच के, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति तो हो सकते हैं। तो जो व्यवहारता विश्लेषण पर निर्भर करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता के आकार वाले ग्रामीण गोदाम भी सब्सिडी के हकदार होंगे। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जो है जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो 25 टन तक भी हो सकती है, और बाकी के जो क्षेत्र है उसमें 100 से लेकर के शुरू और 30,000 तक है। स्थान, आकार और क्षमता को संक्षिप्त में इस प्रकार दिया जा सकता है। जो लोकेशन, आकार और जो क्षमता है, गोदाम म्युनिसिपल क्षेत्र की सीमा के बाहर होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि कुछ जो योजनाएं होती हैं वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती हैं, शहरी क्षेत्र के लिए होती नहीं है। तो वो शहरी क्षेत्र में आपका वो नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम क्षमता जो है वो 50 मैट्रिक टन की होना चाहिए। अधिक जो क्षमता है वो 10,000 मैट्रिक टन की होना चाहिए। गोदाम की ऊंचाई जो है 4 से 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो जो 4 से 5 मीटर होता है उसकी जो ऊंचाई है वो उतनी होना चाहिए। गोदाम की क्षमता जो है 1 क्यूबिक मीटर क्षेत्र में 0 से लेकर 4 मैट्रिक टन की गणना का पैमाना होना चाहिए। तो वैज्ञानिक भंडारण के लिए जो शर्तें हैं, आर से रहते हैं कि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित गोदाम इंजीनियरिंग अपेक्षाओं के अनुरूप ढांचागत दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा होना चाहिए, और कार्यात्मक दृष्टि से कृषि उपज के भंडारण के उपयुक्त होने चाहिए। कृषि उपज के भंडारण के लिए उपयुक्त तो होना चाहिए। उद्यमी को, मतलब जो लगवाना चाहता है उद्यमी को, गोदाम के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है, बशर्ते राज्य गोदाम अधिनियम या किसी अन्य संबद्ध कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, कहीं किसी किसी राज्य में होता भी है लाइसेंस की जब आवश्यकता, और किसी में नहीं भी होती है। तो या दूसरा, कीटाणुओं से सुरक्षा की व्यवस्था उसमें होना चाहिए, अस्थायी सीढ़ियों के साथ ऊंचा पक्का प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, और जो है चूहा रोधक व्यवस्था होना चाहिए, मतलब गोदाम में चूहे भी ना जाए। पक्षियों से सुरक्षा के लिए जाली और खिड़कियां, रोशनदान ये सब होना चाहिए। प्रभावी ध्रुमीकरण, फ्यूमिकेशन के लिए दरवाजों खिड़कियों की वायु अवरोधकता भी होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में हमें फ्यूमिकेशन भी करना पड़ता है। तो गोदाम कॉम्प्लेक्स में जो इस प्रकार की सुविधाएं भी होना चाहिए, जैसे कि सुगम पक्की सड़क वहां तक जाने और आने के लिए होना चाहिए, किसी भी मौसम में हमारी ट्राली या ट्रक जा सकते, पक्की आंतरिक सड़कें भी होना चाहिए, जल निकासी की जो है बिल्कुल अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, और अग्निशामक और सुरक्षा की व्यवस्था, जिससे हम कभी अगर आग लग जाए तो आग को बुझाने का काम आ सके। तो कुछ इस प्रकार की रेत की जो बाल्टियां हैं और अग्निशामक सामान लादने उतारने की जो है उचित व्यवस्था होना चाहिए, जो भी उसमें लेबर काम करेंगे उनको सुविधा अनुसार डाल सकें और ले सकें। इस प्रकार से ऋण से संबंधित सहायता इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी संस्थागत ऋण से संबद्ध होती है और केवल ऐसी परियोजना के लिए दी जाती है जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य शासकीय बैंकों और राज्य शासकीय कृषि एवं ग्रामीण बैंकों, कृषि विकास वित्त निगमों और शहरी सहकारी बैंकों आदि से वित्त पोषित की गई हो। इसका मतलब ये है कि ये इतनी सारी जो बैंक है वो इस पर जो है आपको सब्सिडी देंगी और वो आपको इस पर लोन देंगी। दोस्तों, तो अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी एवं इनके जो सहकारी संगठन होते हैं उनके लिए 1/3 मतलब 33.33% की सब्सिडी दी जाती है, या अधिकतम 3 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों, किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों और सहकारी संगठनों से संबद्ध परियोजना की पूंजी लागत का 25% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 2,25,00,000 रुपए होगी। दोस्तों, और जो अन्य सभी श्रेणियां हैं उनके व्यक्तियों को कंपनी और निगमों की आदि के परियोजना की जो पूंजी का जो 15% है वो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो अधिकतम सीमा रहेगी वो 1,35,00,000 रुपए तक होगी। तो NCDC की जो सहायता के
लिए जो की जा सकते हैं, और सहकारी संगठनों के गोदाम के जीर्णोद्धार के लिए भी इसमें जो है आपको कुछ छूट मिल सकती है और इसमें ऋण भी दिया जा सकता है। तो ये थी जानकारी ग्रामीण भंडारण योजना की। आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, अपने जो कृषि अधिकारी से मिल करके आप अपने गाँव में भी अपना ये जो है गोदाम बना सकते हैं, आप अपना भंडारण का जो क्षेत्र बना सकते हैं। क्या क्या इसमें शर्तें थी और कितना आपको ऋण मिल सकता है और कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, तो ये हमने आज आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो आपके काम आती है और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।